वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। भुज से ढोलावीरा जाने के लिए एक नई सड़क बनी है। ये सड़क खादी द्वीप के एक कस्बे ढोलावीरा को खावड़ा की मुख्य भूमि से जोड़ती है। यह सड़क कच्छ के रण के बीच से होकर गुजरती है। कच्छ का रण एक विशाल नमक का मैदान है। इस सड़क से कच्छ के रण का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इस स्थान पर सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश में रंगों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। यह सड़क 30 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क पर हर तरफ अलग अलग प्रकार के नज़ारे देखने को मिलते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय का दृश्य प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। यह दृश्य हमें प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराता है और हमें शांति और सुकून देता है। यदि आप किसी भी मौसम में प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय का दृश्य देखने के लिए ज़रूर आइए। तो यहाँ पे आप सनसेट का व्यू भी देख सकते हो जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसे रोड ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग की सड़क भी कहा जाता है। यह सड़क भुज से ढोलावीरा की यात्रा को बहुत ही आसान और सुखद बना देती है। तो जब यहाँ पर मैं अपना एक्टिवा लेकर आया था तो यहाँ पे रोड बन रहा था, पर अभी रोड काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो हमने यहाँ पे खड़े रह के साइड में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की। जैसे कि मैं पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा वाइट डेजर्ट है। तो अभी हम खूबसूरत रास्ते पर सनराइज देख के ढोलावीरा पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आपको रहने की सुविधा भी मिल जाएगी, पर अगर आप अपना व्हीकल लेके आ रहे हो तो आपको पेट्रोल रिफिल करने के लिए दिक्कत होगी। तो हो पाए तो पहले से यहाँ पे पेट्रोल रिफिल करके आइए, वरना यहाँ पे आपको लोकल शॉप से पेट्रोल ज़्यादा दाम में भरवाना पड़ेगा। तो ये ढोलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट का एंट्रेंस गेट है और यहाँ पे आप अपना फोर व्हीलर या टू व्हीलर पार्क कर सकते हो। ढोलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में 27 जुलाई 2021 को नामित किया गया था। तो अभी मैं आपको थोड़ा ढोलावीरा के बारे में बताता हूँ। ढोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। ढोलावीरा शहर कच्छ के महान रण में खादीरबेट द्वीप पर स्थित है। यह कर्क रेखा पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि यह भारत के मध्य में स्थित है। ढोलावीरा को स्थानीय रूप से कोटाडा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। ढोलावीरा का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। माना जाता है कि यह स्थान 2650 ईसा पूर्व से बसा हुआ था। ढोलावीरा अपनी समृद्ध संस्कृति और उन्नत तकनीक के लिए जाना जाता है। अगर आपको ढोलावीरा के ऊपर टूर गाइड के साथ डिटेल में समझना हो तो मैंने अपने चैनल पर 31 मिनट का वीडियो डाला है, जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो, वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। अब तक हड़प्पा सभ्यता के 7 प्रमुख स्थलों की खोज हुई है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर। गनेरीवाला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक प्राचीन शहर। राखीगढ़ी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक प्राचीन शहर। कालीबंगन भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक प्राचीन शहर। रूपनगर भारत के पंजाब राज्य में स्थित एक प्राचीन शहर। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक प्राचीन शहर। हड़प्पावासी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जो आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। हड़प्पा वासियों की भाषा अभी तक नहीं समझी जा सकी है। हड़प्पा लिपि एक रहस्य है जिसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। यदि हम इस लिपि को पढ़ना सीख सकते हैं तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में
बहुत कुछ जान सकते हैं। डोलावीरा की खोज सबसे पहले 1960 के दशक की शुरुआत में डोलावीरा गांव के निवासी शंभुदान गढ़वी ने की थी। उन्होंने इस स्थान पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास किए थे। डोलावीरा साइट की आधिकारिक तौर पर 1967 से 68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के JP जोशी द्वारा खोज की गई थी। डोलावीरा 8 प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से 5वां सबसे बड़ा है। ASI द्वारा 1990 से डोलावीरा की खुदाई की जा रही है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप फॉसिल पार्क भी देखने जा सकते हो, जिसकी दूरी यहाँ से 6 किलोमीटर है। उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया जो मेरे चैनल पे देख सकते हो। और आप छिपर पॉइंट भी जा सकते हो। वैसे तो अभी छिपर पॉइंट बंद है, पर फ्यूचर में अगर वो ओपन हुआ तो आप वहाँ पे जरूर जाना, वहाँ पे काफी खूबसूरत व्यू आता है। तो इसके ऊपर भी मैंने अलग वीडियो बनाया है जो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो।